नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। जिस किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। कल का जो रिजल्ट था, दिल्ली बाजार में 91, फरीदाबाद में 33, गाजियाबाद में 66, गली में 56 और दिशावर में 79 खुला है। कल 22 तारीख थी। आपने मेरी एक ट्रिक वीडियो देखी होगी कि भैया जोड़े की तारीख पर जोड़ा खुलने की संभावनाएं बहुत बढ़िया बनती हैं। कल वैसा ही हुआ। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि भैया जोड़ा खेल लेना, जोड़ा खुल सकता है, क्योंकि चीज़ें इतना दबाव बनाकर बैठी हुई हैं। फेलियर जो देखने को मिल रहा है, खुद से भी कई बार लगता है कि यार वीडियो बनाई जाए या ना बनाई जाए, लेकिन फिर भी लोगों को काम चाहिए। मुझे भी आपसे बात करनी होती है कि हाँ भाई, ये आपके लिए ठीक रह सकता है, एक बार नज़र मार लेना। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग गेम प्ले करते हों, कुछ लोग सुनना भी चाहते हैं, कुछ लोग खेल समझना चाहते हैं कि बाबा जी आप अपने तरीके से हमें एक बार मार्गदर्शन कर दो किस तरीके से खेल रह सकता है। तो उसी का आधार है कि भैया कई बार आपके लिए बेमन से भी वीडियो बनाया जाता है कि बस खेल समझा दूँ आपको, जिससे कि आप खुद स्वयं से फ़ायदा ले सकें। कल जो खेल हमने रखा हुआ था, बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े जोश के साथ खेल बनाया था। क्रॉसिंग से मात्र एक बार 33 पास हुई है, मात्र एक बार। इसके अलावा कहीं पर भी हमारा खेल क्रॉसिंग के रूप में नहीं लगा। उसके पीछे कारण था कि ना हमारे पास 6 का अंक था, ना हमारे पास 9 का अंक था। कंपनी ने 9 से शुरुआत करी, 6 पे रुके, 6 पे रुके, फिर 9 पे खेल दिया खेल। अब यहाँ से हमारे लिए क्या अच्छा हुआ है, तो भैया दिल्ली बाज़ार में 52-27-38 का खेल था, फेल है। फरीदाबाद की जो 65 है, इस पर एक बार गौर कर लेना, क्योंकि इसके पीछे कारण बताऊँगा। फरीदाबाद में 65-58-15 का खेल था, गाज़ियाबाद में 48-98 का खेल था, और गली में आपका 17-57 का खेल था। पंजा यहाँ पर आपका, मैंने आपको अंक हरूफ दिया हुआ था कि भैया पंजा यहाँ पर खुल सकता है। एक दिन का ब्रेक लगा था, 3 दिन लगातार पंजा खुला, एक दिन ब्रेक लगा, और उसके बाद दोबारा से कंपनी ने पंजा खोलने की जो स्कीम थी लगा दी। आपको फ़ायदा हुआ हो, मैंने जैसा आपको समझाया था कि भैया देख लेना। अब यहाँ से खेल किस प्रकार कहता है, जिसने फ़ायदा ले लिया होगा उसके कमेंट आ चुके हैं मैसेज बॉक्स में, पर्सनल में मैसेज आ रखा है। अब यहाँ से आप एक चीज़ सीख लो, अगर आपसे ये चीज़ छूट गई हो तो एक चीज़ सीख लेना कि जब यहाँ पर किसी भी लोकेशन में आपको अंक दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि आप उससे जोड़ियाँ बना सकते हो, पहली चीज़, क्योंकि दो जोड़ियों में जितना बेहतरीन खेल रख सकता है वो मैंने रख दिया था। अब यहाँ से पंजा हमारा फरीदाबाद में भी था, पंजा हमारा गली में भी था, लेकिन पंजे के साथ हमारे पास यहाँ पर 65-58-15 थी और हमारे पास गली में मात्र 57 थी। तो जिसने भी अपना दिमाग लगाते हुए 56-65 बना ली हो, या फिर कभी भविष्य में दोबारा ऐसा मौका आए कि भैया किसी लोकेशन में पंजे का अंक दे रखा है और उसके आसपास की लोकेशन में पंजे के साथ कोई जोड़ी दे रखी है, तो अपना जोड़ के चलना, फ़ायदा मिलता है। और ऐसे ही फ़ायदा मिलता है खेल में, अगर आप अच्छे से समझना शुरू कर चुके हो तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया संकेतों का खेल है ये। ये खेल है अंकगणित, जो कि संकेतों से चलता है, जो कि इशारों से चलता है। दिशावर में आपको सत्ता कंफर्म कर दिया था कि भैया सत्ता खेल के चल लेना, बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और सत्ते ने काम भी किया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 87 अच्छी बनेगी, लेकिन कंपनी ने 8 ना खोल के, कंपनी ने नहले के साथ 79 के रूप में सत्ता खोल दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि भैया लोकेशन के साथ हरूफ पास हुए हैं, अंक पास हुए हैं पंजे और सत्ते के, आपको गेम मिला होगा, कहीं ना कहीं किसी को हरूफ पास हुआ होगा, कुछ भला हुआ हो तो भैया बहुत बहुत बधाई, अन्यथा चीज़ें थोड़ी सी हल्की चल रही हैं। देख लेना विश्वास आपका कितना है मुझ पर, कितना आपको लगता है कि बाबा जी का खेल इस टाइम पर खेलना चाहिए, या खेल से सिर्फ सीखना या समझना चाहिए। अब यहाँ से आज के अंक गणित पे बात कर लेते हैं फटाफट से। तो भैया क्रॉसिंग के अंकों में आज तिग्गी सबसे पहले रहेगी, क्योंकि कल भी तिग्गी ने हमारा खेल है जो उसे बचाया है, 33 के रूप में हमें पहली पासिंग दे दी है। और मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो फरीदाबाद या गाज़ियाबाद में पासिंग मिलने के बाद खेल ही रोक देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है समझ कर कि भैया लोगों का ज़्यादा लालच नहीं है। जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। 3 का अंक बेहतरीन है, अंक 4 का बेहतरीन है, अंक पंजे का टॉप क्लास है, 6 का अंक अच्छा है, 7 का अंक अच्छा है, 9 का अंक अच्छा है। ये 6 के 6 अंक आपके लिए बेहतरीन रह सकते हैं। रोज़ाना ही ये बात कहता हूँ मैं आपसे। हाल फिलहाल में थोड़ा सा चैनल पर
फेलियर का टैग लगाए कि भैया थोड़ी सी गेम फेल हो रही है, अन्यथा शुरुआत के दिनों में लोकेशन से गेम भी पास हुई है, तीन तीन चार चार बार क्रॉसिंग पास हुई है, तो ये सब खेल का हिस्सा है। अगर सारी चीज़ें कुंडू बाबा परिवार को ही मिल जाएंगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, बाकी लोग जो बिना वीडियो को देखे खेल चलाते हैं, उनका भी तो कुछ परमात्मा ने सोचा हुआ होगा, वो भी तो रिस्क ले रहे हैं, वो भी तो अपना लक आजमा रहे हैं। तो भैया किस्मत का ये खेल है, थोड़ा सा अगर किस्मत के साथ समझदारी का तड़का लग जाए, थोड़ा सा अंक गणित को समझने के बाद तड़का लग जाए, तो थोड़ा सा वो कहते हैं स्वाद बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं कि भैया आपको बेसिक्स देखने को मिल जाते हैं कि कहाँ से क्या कुछ चल रहा है। सारी चीज़ें ना तो मैं कैच कर पाता हूँ, ना ही आप कर पाते होंगे। मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा कैच कर लेता हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम ही आपके लिए अंक गणित पेश करना है। तो मेरे हिसाब से तिग्गी टॉप क्लास और जो ये बाकी अंक बताए हैं बढ़िया रहने वाले हैं। आज आपके लिए हरूफ यहाँ पर पहले ही बता दूं कि भैया सत्य का अंक बेहतरीन रहने वाला है, जो कि अंकगणित कहता है। पंजे का अंक अच्छा रहने वाला है, देख लेना इसे एक बार। छः का अंक अपना काम जैसा कर रहा है लगातार करता रहेगा, तो इस पे नज़र मार लेना। अब यहाँ से बात फटाफट से हम करेंगे लोकेशन के खेल की। लोकेशन के खेल में दिल्ली बाज़ार के लिए क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है? दिल्ली बाज़ार में 19 के ऊपर एक खेल रुका हुआ है जो कि 17 का है। अब जिस प्रकार से 79 खुली है उसमें से 17 भी निकलता है, ठीक है, उसमें से आपका एक जोड़ी और निकलेगी, मैं टाइम पर बताऊंगा। अभी इस लोकेशन में जो बढ़िया रह सकता है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 19 से 17 बढ़िया रहेगी, साथ में यहाँ पर 69 खुलनी थी कल, बढ़िया चांस थे, लेकिन राशि में कट गई 69 के साथ 64। यहाँ से ये खेल रख लेना, इसी की फैमिली का घर है ये, जो दो घर हैं इसकी फैमिली के हैं, इसका ध्यान रखा है, उसके बाद आपके लिए ये जोड़ियाँ निकाली हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कंपनी दिल्ली बाज़ार में भी अपने अंक रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि उससे पहले इसने 19 मारा, 19 के बाद फिर 22 मार दिया, 22 के बाद फिर से 91 मार दिया, तो कहीं ना कहीं 19 के बाद भी अंक रिपीट नहीं हुए, 22 के बाद भी अंक रिपीट नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि अंक रिपीट नहीं हो सकते, मुश्किल चांस हैं। तो यहाँ पर 6 का अंक बेहतरीन रहेगा। अगर आपको लगता है कि बाबा जी बिल्कुल सटीक अंक निकाला है, 6 का अंक सच में बढ़िया बनेगा, तो आप इन दो जोड़ियों के अलावा कुछ और जोड़ना चाहते हो तो आपकी स्वयं की मर्जी है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ये दो जोड़ियाँ खेल के चल सकते हैं। और साथ में मेरे मन में एकदम से एक जोड़ी आई है, मुझे लगता है कि 66 का जोड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये ट्रिक पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको थोड़ी सी तवज्जो देना, इसके पीछे का कारण बता देता हूँ। दिल्ली बाज़ार ने 19 खोली, गाज़ियाबाद ने 66 खोली, कल दिल्ली बाज़ार ने 91 खोली, गाज़ियाबाद ने फिर से 66 खोली, तो कहीं ना कहीं 19-91 के बाद 66 का समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये नीचे कर रहा है ना कि दिल्ली बाज़ार ने यहाँ पे से टच किया गेम, तो कहीं ना कहीं दिल्ली बाज़ार में भी 66 जा सकती है, रिपीट की जोड़ी है, विश्वास दिखा सकते हो, अच्छे चांस हैं। चार जोड़ियों में खेल निकला है, समझदारी दिखाते हुए खेल को निकाला है, खेल पास फेल लगा रहता है। कोई ये ना सोचे कि बाबा जी आपकी गेम तो पास होती नहीं है, आप गेम बनाने आ जाते हो, वीडियो बनाने आ जाते हो, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भैया आप क्यों देख रहे हो वीडियो? आपको किसी ने कहा कि वीडियो देखो? आपके पास लिंक गया था या किसी ने आपके सर पे तलवार रख रखी है कि भैया वीडियो देख कुंडू बाबा की? नहीं कहा ना भैया किसी ने? तो जिसे देखनी है वीडियो वो देख रहा है, जिसे अच्छा लग रहा है वो कमेंट कर रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो भैया यहाँ पे नकारात्मक चीज़ें नहीं चलने वाली, ये सब मैं पसंद करता नहीं, ना मैं नकारात्मक सोचता और ना मैं अपने साथ जुड़े लोगों को नकारात्मक होने देता। आपका विश्वास बने तो भैया डंके की चोट पे जुड़ो, आओ तो वेलकम है, कुंडू बाबा आपका स्वागत करता है, और जाओ तो भीड़ कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग आए थे बहुत लोग चले गए, ऐसा खेल चलता रहता है। तो दिल्ली बाज़ार का खेल जो अच्छा है वो बता दिया है। हम सबसे पहले खेल को लिखवाने से पहले, खेल को आपको आगे भेजने से पहले नोट करना चाहिए कि खेल बन किस प्रकार रहा है। अगर जिस दिन आपने इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि भैया आज इस घड़ी में ये वाला अंक मजबूत है, मुझे इसके साथ गेम चलानी चाहिए, आप देखना कि आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपके लिए लोकेशन के साथ खेल बनाता हूँ, मैं बावला नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो चार जोड़ी पाँच जोड़ी में खेल बताकर चला जाऊँ और आपको बता दूँ कि चार पाँच जोड़ियाँ महीने में कम से कम 15 से 17 दिन पास होंगी, उस पांच जोड़ियों में से एक जोड़ी दो जोड़ी रोज पास होगी।
ठीक है, तो उससे किसी को ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन वो फेल होगी उस दिन आदमी पांचों घड़ियों में खेल रहा होगा, और जिस दिन वो पास होगी पता चले दो में खेलता है तीसरी में छोड़ देता है, ना ही आपको हरूफ मिल पाता। यहाँ पर आपको हरूफ बताया जाता है कि भैया हरूफ मजबूत है, इस पर विश्वास दिखाना। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ पास होगा, लेकिन जब ये पास होगा तो आपके लिए सफलता लेकर आएगा। कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कि अगर भैया 90 का रेट दे रही है या 95 का रेट दे रही है, तो उसे पता है कि भैया अगर इसकी 5 दिन में भी गेम पास होगी ना तो ये सारे वापस ले जाएगा अपने रुपये। तो यहाँ से समझदार बनो और अपना बढ़िया से खेल चलाओ। जितनी समझदारी से इस खेल में जुड़ोगे, जितना समझदारी से खेल को चलाओगे, उतना ही सफलता मिलने के चांस रहेंगे, उतना ही दिल खुश रहेगा। क्योंकि भैया बहुत बड़ा अंतर है, मान के चलो यार, अगर आपने 10 जोड़ी खेली हैं, ठीक है, 10 जोड़ी आपकी हो गई, ठीक है जी, 5 रुपये इंटू लगा लो, अगर ये 5 गेम में चलता है तो इसका हिसाब लगा लेना, और जो उसके बदले आपके पास 4 जाएगा, अगर 5 गेमों में से ये 10 जोड़ी 5 गेमों में लगा लो, ठीक है, आपका कितना हो गया, यहाँ 50, यहाँ 250 हो गए ना, और पासिंग में जब आएगा ना तो 450 आएगा। आप 5 गेम में अपनी किस्मत आजमाओगे तब जाके तब भी 200 रुपये प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा। तो ये खेल है, कंपनी बेवकूफ़ नहीं है जिसने अपने पास 99 घर रख रखे हैं और आपके लिए एक घर रखा हुआ है। उसे पता है कि भैया सारी चीज़ें होती रहती हैं, जब लोगों की गेम पास होती है ना तो जितने देते नहीं हैं वो उसके डबल तिबल 4 गुना निकाल लेते हैं एक बार में। तो यही खेल है, इसलिए कहता हूँ कि अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मौके की ताल पे रहो। मौका जब सटीक आता है ना तो गेम पास होता है, वो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और मैंने पहले भी बताया है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना आपके लिए, ये मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, अंकगणित के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ से आशीर्वाद देना उस परमात्मा की कृपा है, वो कितना आशीर्वाद देता है, आपका लालच कितना है। क्या पता अभी इस टाइम पर कोई ऐसा व्यक्ति वीडियो को सुन देख रहा हो जो शायद बहुत ज़्यादा लालची हो, जिसने अतः कर रखी होगी भैया बाबा जी का गेम खेलता हूँ, कोठी बनाऊंगा, क्या पता वो छोड़ते ही गेम पास होना शुरू हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, अपना विश्वास बनाए रखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, विश्वास तो अगर है तो सब कुछ है। बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद की, फरीदाबाद में 33 के ऊपर सबसे पहली ट्रिक लगेगी जोड़े की, 55 खेल के चल लेना, बहुत बढ़िया चांस बनाएगा। समीकरण काफ़ी अच्छे हैं, समीकरण अच्छे हैं ना तो मज़ेदार गेम बनेगा, पास हो या फेल हो दूसरी बात है। 36 का समीकरण बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है कहीं अपनी तिग्गी एक उठा ले और ये अपना एक 6 का अंक यहाँ से उठा ले, तो 36 का समीकरण बहुत बढ़िया बन रहा है। साथ में 16-61 का समीकरण बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली देख लो, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जब ध्यान से सुनोगे तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। जल्दी जल्दी काम करूँगा थोड़ा सा। फरीदाबाद में जो गेम उठाई जा रही है, हरूफ उठाया जा रहा है, वो ज़्यादातर गाज़ियाबाद से उठाया जा रहा है, एक बार नोट कर लेना। पिछले 4 दिनों में से अगर आप नोट करोगे, जब 52 आई तब भी यहाँ पर खेल उठाया गया था, यहाँ पे मात्र एक दिन ऐसा था जो यहाँ पर हरूफ नहीं गया, अन्यथा यहाँ से हरूफ यहाँ पर जा रहा है, उसका ध्यान रखा गया है। और वो कब हुआ था, जिस दिन भैया आपकी 85 यहाँ पर खुली थी, उस दिन जहाँ पर ये 85 खुली थी फरीदाबाद में, उस दिन यहाँ पर हरूफ नहीं आया था, अन्यथा रोजाना यहाँ से आपस में हरूफ मिलाए जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना। मैं यहाँ पर इसीलिए 6 का अंक रख रहा हूँ क्योंकि गाज़ियाबाद में 6 का अंक है, और 6 का अंक आपका दिल्ली फरीदाबाद में भी पहुँच सकता है, और दिल्ली बाज़ार में ही बता दिया है। तो एक बार नोट कर लेना, 55 का बेहतरीन जोड़ा, 36-16 की बेहतरीन ट्रिक आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेकर आ सकती है। अब मैं फटाफट से बात करना चाहूँगा गाज़ियाबाद के खेल की, गाज़ियाबाद में क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है। तो भैया गाज़ियाबाद में 66 के ऊपर और 79 के बाद एक वीडियो बनाया था कि 2-9-7-4 का खेल क्या कुछ कहता है, आज वो वीडियो अपना काम करके जा सकता है। 79 खुली हुई है, हम ट्रिक पे काम करेंगे, हम बाकी की जोड़ी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि भैया जिसका जैसा मन करे, जिसका जैसे ट्रिक का इस्तेमाल करने का मन करे वो कर सकता है। दिशावर में 79 के बाद जो सबसे बेहतरीन जोड़ी बन रही है भैया, वो बन रही है 77 की, जोड़े पे जोड़ा खुलने की दोबारा संभावनाएं हैं, एक मत लेकर चलना इसकी तरफ, मत मतलब होता है कि फेवर, एक अपना फेवर लेकर चलना कि भैया जोड़े के बाद एक जोड़ा जरूर खेल लेना, दो जोड़े खेलने हो दो जोड़े खेल लेना, चांस अच्छे बनेंगे। इसके साथ में यहाँ पर 53-35 रख दी है, क्योंकि जब 66 खुली थी तो 35 खुली, फिर 66 खुली, तो कहीं ना कहीं 53 खुल सकती है। कंपनी यहाँ पर तमाशा कर रही है, और इस तमाशे का सहभागी हो जाओ, इसमें अपना लाभ बना लोगे, 2-4 जोड़ियाँ रिपीट की उठा के डाल लो, जैसा ये खेल चला रहा है खेल आपके फेवर में उतरना शुरू हो जाएगा। यहाँ से दो जोड़ियों का खेल ये भी है कि भैया 67
और भैया आपका 79 के ऊपर 79 रिपीट होती है। कंपनी के बेहतरीन फॉर्मूले को पकड़कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वीडियो भी बनाया है, वीडियो नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, देख लेना, अन्यथा वीडियो में जो बेहतरीन 79 के ऊपर खेल है वो आपका गाज़ियाबाद की लोकेशन में डाल दिया है, इस पर एक बार नज़र मार लेना। मुझे लगता है यहाँ पर सत्ता आपका किफ़ायती फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सत्ते के साथ 77, 79, 67 रख दी है, अगर विश्वास बने तो इस्तेमाल कर लेना, अन्यथा भैया कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हो, तो इसका भी मैं आपके लिए हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ गली की लोकेशन की। गली की लोकेशन में क्या कुछ बेहतरीन बन सकता है? तो भैया जब दिशावर ने 3 तारीख को 79 खोली थी इस महीने की, तब गली ने 47 मारी थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस 47 को कहीं ना कहीं रख लें। दोनों 7-4 वाली फैमिली का ये घर है जो कि हमारी ट्रिक का भी हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर एक नहले के बाद 0 खुलने की संभावना बनी है, तो 07 और यहाँ पर 57, क्योंकि भैया देखो 07 है ना, जो वो ना 0 बंद चल रहा है, ये नंबर अभी चल रहा है बंद, लेकिन अब ये आज खोल दे तो आपका कुंडू बाबा गलत हो जाएगा कि बाबा जी आप तो बोले थे बंद चल रहा है, ये तो खुल गया। तो भैया बिल्कुल खुल सकता है, कंपनी के हाथों में है अंक जो है खोलने, मेरे हाथ में तो आपको अंक समझाना है ना। तो 0 जो चल रहा है वो बंद चल रहा है, इसलिए जब भी 0 बन रहा हो ना उसके साथ पंजा बना लेना, आपका ना जो भविष्य है, जो आपका वर्तमान है, सब ठीक हो जाएगा कि भैया 0 पे मेरी बहुत बढ़िया जोड़ी बन रही थी, अच्छा तो पंजे के साथ भी बना ले भाई वो जोड़ी, और आपका काम बढ़िया हो जाएगा, गेम पास हो जाएगी, बढ़िया चांस बन रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा, 07 अच्छा है, 57 ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ये आपका मेन का भी काम करेगा। दूसरी बात ये बता दूं आपका कि 57 इस लोकेशन में खुला हुआ है तो बढ़िया चांस बनाएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे सत्ता खुल सकता है, चांस अच्छे हैं। ठीक है जी, मैंने छक्के के अंक पे बेहतरीन विश्वास दिखाया है, दिल्ली बाज़ार से लेकर फरीदाबाद तक गाज़ियाबाद गली में सत्ते के अंक पे विश्वास दिखाया है, तो एक बार नोट कर लेना इस खेल को। अब यहाँ से अपनी आखिरी लोकेशन में पहुँचते हैं, आखिरी लोकेशन में अपनी दिशावर है जो कि वर्ल्ड वाइड खेल है, काफ़ी लोग देखते हैं दिशावर के लिए कुंडू बाबा का वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों 79 आई हुई है, तो एक चीज़ पहले ये नोट कर लेना कि दिशावर में एक ट्रिक लगनी है अभी जो कि 0 की है, और 0 का जो खेल है वो चल रहा है बंद। तो भैया पहले जो खेल बन रहा है वो बन रहा है कि 80 और 90 कहीं ना कहीं खुल सकती है इस लोकेशन में, ठीक है 80 और 90 खुल सकती है। तो भैया यहाँ पर एक खेल ये नोट कर लेना कि 8 के साथ पंजा लगा लो और नहले के साथ 95 लगा लो, इसे रख लेना मेन वाले कैटेगरी में, इसे रख लेना भैया सपोर्ट की कैटेगरी में, क्योंकि 0 ज़्यादा काम करके दे नहीं सकता, लेकिन जब बन रहा है ट्रिक पैटर्न है भैया, कंपनी 0 खोल के चलती है 20 से 25 तारीख के बीच में दिशावर में, और जो कंपनी ने बाहर का नहला दिया है उसका संकेत सीधा सीधा यही कह रहा है कि भैया 0 खुल सकता है, 0 खुल सकता है चीख चीख के। तो 0 का जो बेहतरीन खेल रह सकता है वो रख दिया है आपके लिए, अगर किसी का 0 मजबूत बनना हो तो 0 पे विश्वास दिखा दे, अन्यथा पंजे का अंक सपोर्ट के रूप में लेके चले, जैसा कि गली में बताया था, जैसा कि मैंने आपको अभी समझा दिया है, एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना दिया है, एक एक चीज को बारीकी से समझा दिया है, कहाँ से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। खेल से कई बार ऐसा होता है कि समझदारी से फ़ायदा लेना होता है, ज़रूरी नहीं है कि भैया जिस लोकेशन में जो गेम बता दी उसके अलावा आप कुछ खेलोगे नहीं। जैसे कल गली में 57 बता रखी थी, पंजा बता रखा था, अब जिसने 65 बनाई थी उसको बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ, जिसने नहीं बनाई थी उसने अपना बाद में यही देखना है कि यार बाबा जी आपका गेम तो पास होता नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो भाई जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम देख लो, जो मेरे लोगों को जिनकी गेम पास हो रही है उनको दिख रहा है वो देख लेंगे, और जो मैं देख रहा हूँ आपके लिए उस पर अच्छे से चर्चा करके बता दे रहा हूं कि ये खेल बन सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और आप शेयर भी कर दोगे। कल फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, बहुत सारा प्यार।